आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हिमाचल पथ परिवहन निगम शनिवार को अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। शिमला में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि दिवाली पर HRTC के कर्मियों को इस बार 28 अक्टूबर को सैलरी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा 9 करोड़ के मेडिकल बिल आने वाले 2 महीनों में क्लियर कर दिए जाएंगे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और HRTC कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश का कोना नहीं है जहां वो नहा गई हो। तब जब मेरे पिताजी कार्य करते थे तो 800 वर्षों से भी प्रॉफिट कमाया जाता था। उस समय बसें भर कर आया करती थी, छत पर भी लोग बैठा करते थे, और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, तो हम भी जब चुनाव होते थे SCA के जनरल सेक्रेटरी थे, तो कॉलेज की बसें भी भरी होती थी और छत भी बड़ी होती भरी होती थी। और शिमला की बात बता रहा हूं, फुल होती थी। निश्चित तौर पर HRTC ने एक सराहनीय कार्य किया है और आज आपके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं। अगले 50 वर्ष कैसे HRTC को बनाए रखना है, इस दृष्टिकोण से आज 50 वर्ष बाद आपको सोचने की जरूरत है। तकरीबन हमारी सरकार आने के बाद से हमने आपको 1100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। आपके जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय भी आपके जो पेंशन थी वो 10-12 दिन 15 दिन पहले बाद मिला करती थी। 3-3 महीने भी की मेरी मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई और हमने कहा कि इसको रेगुलेट करना है, और हमने इसको रेगुलेट किया। लेकिन आज 50 साल बाद HRTC के कर्मचारियों को ये भी सोचना है, जब बाढ़ ही खेत को खा जाएगी। कई बार सुना होगा, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं मैंने कई बार आपको कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई है, 5 साल बाद देखेंगे, आराम से करो, जो रूटीन गवर्नमेंट चलती है 40 साल से उस रूटीन गवर्नमेंट को चलाते रहो, कोई बदलाव ना करो, यहां से भी कर्जा लो, वहां से भी कर्जा लो और आगे बढ़ते जाओ। हम उसके लिए नहीं आए, हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान मिले और आत्म सम्मान की जिंदगी जी सके। जब हम, मैं और उप मुख्यमंत्री जी, अपने राज्य के खजाने का अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे पास सरकारी कर्मचारी और दिनचर्या का खर्चा चलाने के लिए 1 महीने से कम का पैसा बचा हुआ था। लोन भी एग्जॉस्ट कर चुके थे। हमने 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया। रात के 1-1 बजे तक मैं बैठ के करता रहा, वो मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता रहा। हमने कोशिश की और पहले बजट में मैंने उसकी झलक दी, और मैंने उस समय भी कहा, कई लोगों ने उस बजट को देखा कि किस प्रकार का बजट है, मैंने कहा कि हम HRTC को में ग्रीन HRTC को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। उस समय मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। MD साहब ने जब मुझे प्रेजेंटेशन दी कि आने वाले स्थिति और भयंकर होने वाली है,
तो मैंने कहा कि एचआरटीसी में भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और वहां भी व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा ना हो जैसे और राज्यों में होता है कि छह छह महीने पे ही नहीं मिलती है, पेंशन ही नहीं मिलती है। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप जब आगे आएंगे, हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा 2026 तक हम पूरी एचआरटीसी को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। 65 से 70 रुपए के बीच में आता है। मैंने अभी चर्चा की है, जब आप इलेक्ट्रिकल आरंभिक चर्चा की, हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे। ये जो रोज रोज की मांग है ना, ये सब पूरी हो जाएगी। 20 से 25 रुपए इलेक्ट्रिकल बस का खर्चा आ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से 14 से 15 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खर्चा आएगा। आपकी जो ये नाइट्स है, ओवर ड्यूटी है, मेडिकल है, 4% डीए है, वो खुद ही आप अपने एचआरटीसी कारपोरेशन से बहन कर लेंगे। आज आप हमारी बैसाखियों के सहारे चल रहे। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी प्रकार से आपको सताया ना जाए, मेरे मन में हमेशा से ये दर्द रहता है। आगे और मैं बार बार कहता हूं, अगर आप सब लोगों का, हिमाचल के निवासियों का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिलेगा, 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा, 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, और एचआरटीसी अपने दम पर पैसे कमाकर सरकार को भी देगी और अपने खर्चे भी पूरे करेगी। अगर हम ये सब चीजें करेंगे, सुधार करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ भी खड़ा हूं, हिमाचल की जनता के साथ भी खड़ा हूं। हम सुधार कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। आज बच्चों को जब हम स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं तो पांचवी का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। ये हालात इस प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए। हमसे ग्रांट ले रहे हैं, ग्रांट देने में हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ग्रांट की प्रेजेंटेशन भी हम चाहते हैं। अगर आपके 50 लाख रुपया पर डे सब्सिडी के जा रहे हैं, हम 50 लाख रुपया आपको पर डे सब्सिडी के हिसाब से क्वांटिफाइड करके आपको सब कुछ देंगे। अगर आपके वायबल रूट, अनवायबल रूट में आपको ग्रांट की जरूरत है, हम देंगे। कोई दोराय नहीं है, जो घोषणाएं हमने की उसको हम करेंगे, लेकिन सही तरीके से हमें उसको समझना पड़ेगा और हम उस दृष्टि से काम करेंगे। आपके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे, आपके वो टाइम नहीं मिल रहे 55 महीनों से, ये सब चीजें क्यों नहीं मिल पा रही? कब तक आप सरकार पर डिपेंड रहोगे? ये चीजें आपको इसलिए नहीं मिल पा रही कि थोड़ा सा इसमें और सुधार की जरूरत है। तो आप क्या सुधार में हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए सर। एमडी साहब, आप अपने सुधार करने हैं, और मैं नहीं चाहता आपका जो कि दीपावली के अवसर पर हमारे जो एचआरटीसी के पेंशन के कर्मचारी हैं, इनको सैलरी पहली को मिले ताकि दीपावली बीत चुके, जब पैसा जेब में नहीं होता तो फिर उस दीपावली का, तो मैं आपकी भी सैलरी 28 तारीख को लेने की घोषणा करूंगा। इसके अलावा आपके जो मेडिकल बिल 9 करोड़ रुपए के हैं, वो हमारी सरकार सारे बिल आने वाले 2 महीनों में क्लियर कर देगी। इसके अलावा 55 महीनों से जिनका, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी ओवर टाइम है आपका, जिसमें एचआरटीसी को भी सहयोग करना पड़ेगा, हम जो भी ओवर टाइम आपका 55 महीने का है, कितने करोड़ होगा? 97 करोड़ किस चीज का है?
उसमें से 50 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं 50-50। और 31 मार्च 2024 तक आपके सारे 97 करोड़ एचआरटीसी ने जो कमाया होगा उसके साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर हम इसका पूरे एचआरटीसी के पूरे 5 साल के जो पेंडेंसी है उसको हम क्लियर कर देंगे। 5 साल की जो आपकी पेंडेंसी है, जो बेचारे ये घंटे ओवर टाइम जाते हैं, नाइट में जाते हैं, और दिसंबर तक हम आधा करेंगे, दिसंबर के अगले 3 महीने में आधा करेंगे। पर आपने भी ये सोचकर काम नहीं करना कि ये सरकार आती है, ये सरकार जाती है। आपने ये सोचकर काम करना है कि ये हमारा एचआरटीसी हमारा परिवार पालने का एक अच्छा साधन है, ये हमारा बगीचा है, इसको सींचना पड़ेगा, इसमें अनुशासन लाना पड़ेगा, इसकी ढंग से प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तब अच्छे फल होंगे ना। आप ये सोचिए कि अगले 3 साल में हमने एचआरटीसी को भी अपने पांव पर खड़ा करना है और 1500 बसों की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हमारी सरकार आप लोगों को देगी, लेकिन आपको अपने पांव पर खड़ा करना है।